हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप सबको प्रीमिक्स के बारे में बताने वाली हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि मैं एक प्रीमिक्स का रिव्यू देने वाली हूँ। तो सबसे पहले यदि आप बिगनर हैं और आप केक बनाते हैं, तो मैं आपको प्रीमिक्स होता क्या है पहले ये बता देती हूँ। तो हम जब भी स्पॉन्ज बनाते हैं तो हमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर और भी कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट रेशियो के साथ लेने होते हैं। ये सारी चीजें बार बार ना लेनी पड़े तो इन्हें एक परफेक्ट रेशियो के साथ मिक्स करके स्टोर करने से आपका प्रीमिक्स तैयार होता है, ताकि जब भी आप चाहें तो 1 कप या 2 कप प्रीमिक्स लेकर आसानी से स्पॉन्ज बना सकें। काफी सारी ब्रांड्स में वेनिला और चॉकलेट प्रीमिक्स आते हैं। कुछ नॉर्मल प्रीमिक्स होते हैं, कुछ बेकर स्टाइल और कुछ प्रीमियम क्वालिटी। जो प्रीमियम क्वालिटी के प्रीमिक्स होते हैं वो टेस्ट वाइज बहुत रिच होते हैं। और रही बात प्राइस की, तो आपको वेनिला प्रीमिक्स 1 kg का 200 में मिलेगा और चॉकलेट प्रीमिक्स 1 kg 220 में मिलेगा। ऑनलाइन या अपने आसपास की किसी मार्केट में, बेकरी में आप इसे परचेस कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रीमिक्स में सारा कुछ ऐड होता है, तो इससे जब आप स्पॉन्ज बनाएंगे तो आपको बस इसे पानी से घोलना है और 1 कप प्रीमिक्स में आपको 1 चम्मच ऑयल यूज करना है और जिस भी फ्लेवर का आप केक बना रहे हैं उसका एसेंस ऐड करना होता है। मैं डिवोर्स का प्रीमिक्स यूज करती हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, स्पॉन्ज भी बहुत अच्छा बनता है। तो आपने बाकी सारी प्रोसेस तो देख ही ली है और आप स्पॉन्ज भी देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। मैंने इसके नीचे थोड़ा बटर पेपर लगाया था, पर आप नहीं लगाएंगे तो भी आपका स्पॉन्ज आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। सो आई होप प्रीमिक्स को लेकर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी इसी तरह की कुकिंग, बेकिंग और केक डेकोरेशन की काफी सारी मैंने वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की है, तो चैनल को जरूर विजिट करना। और हाँ, वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आने वाली हूँ, तो वीडियोस देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। तो मिलती हूँ फिर जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।